कदर दा हो कदर जाने मगर वे कदर क्या जाने, आशिक हो तो पहचाने मगर जल्लाद क्या जाने। भाई साहब एक बार भगवान कन्हैया के लिए और अंध दुर्योधन के पिता जो अंध थे उन्होंने आमंत्रित किया कि प्रभु मेरे घर आकर खाना खाइए, मेरे यहां भोजन आपको करना ही होगा। लेकिन एक धन्ना भक्त जो बहुत गरीब था, धन्ना भक्त जो बहुत गरीब था वो बेचारा एक एक रोटी को मोहताज था, उसके घर खाना नहीं बनता था। एक रोटी दो रोटी बनती थी, एक माँ को खिला देता था एक आप खा लेता था, लेकिन भूखा ही सो जाता था। लेकिन जब भगवान कन्हैया वहां गए, क्योंकि धन्ना एक बार कथा सुनने ब्रह्मदेव हमारे महाराज जी हैं, इनकी कथा में गया था। पंडित जी महाराज कथा सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु पहले बनाना चाहिए, गुरु के बिना कुछ नहीं मिलता है। पंडित जी ने ऐसा कहा तो धन्ना के दिमाग में घुस गया और धन्ना उस उन पंडित जी के पीछे पड़ गया। पंडित जी के पीछे जब पड़ा तो पंडित जी बोले कि ले एक पत्थर का टुकड़ा देकर उन्होंने कहा कि नहीं नहाए के तब नहाइए और इन्हें खवाए के तब खाइए, इनसे पहले खाना मत बेटा, अगर ये नहीं खाएं तो तुझे भोजन नहीं करना होगा। आज धन्ना उस पत्थर के टुकड़े को लेकर के अपने घर पहुंच गया। कहता है लो गुरु महाराज जी एक रोटी बाजरा की है मेरे हिस्सा में, आई है आधी तुम खा लो आधी मैं खा लूंगा, जल्दी खाओ भूख लग रही है। अब पत्थर रोटी थोड़ी खाओ। ऐसे करते करते सात दिन हो गए, सातवें दिन धन्ना को गुस्सा आ गया, आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू कि मैं गरीब हूं, मेरे पास बाजरे की रोटी है, रूखी सब्जी है, मसालेदार सब्जी नहीं है, इसीलिए प्रभु तुम मेरे यहाँ नहीं खा रहे हो, पंडित जी के पास तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता होगा, इसलिए तुम्हें पंडित जी की याद आ रही है, लो जब तक तुम भोजन नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगा। सातवें दिन धन्ना ने चाकू हाथ में लेकर अपने सीना पर रख लिया और कहा या तो भोजन करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जैसे ही हमारे कन्हैया ने देखा कि धन्ना मर जाएगा, अरे धन्ना सुन 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 मैं रोटी खा रहा हूं, देख मेरे कन्हैया ठाकुर जी प्रकट हुए, उन्होंने भोजन किया, कह सारा मत खा लेना मैं भी तो भूखा हूं, सात दिन से आधा मैं भी आधी रोटी मैं भी खाऊंगा। आज उसी बात पर अब धन्ना के खेत में नाज पैदा करने के लिए खाद भी सब कुछ चाहिए। धन्ना कह रहा है प्रभु पैसा तो है ना, एक बीघा खेत है हमारा, अब उसे भाई कैसे। अरे पड़े अंधके फंद, अंधकी मेवा तज आए, हर
ठीक है।